तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुष्मित और आज हम लोग खेलने वाले हैं कारफुल सेल सिमुलेटर। जी हाँ, वो भी अपने मोबाइल में। वैसे ये गेम का नाम है कार सेलर डीलरशिप, बट ये कारफुल सेल सिमुलेटर जैसा ही है पूरा। बस अब विदाउट एनी डिले वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। तो ओके, मेरा गेम अब लोड हो रहा है। तो ओके, मेरा गेम अब शुरू हो चुका है और ये मेरा क्या होता है, डीलरशिप है। अरे यार, मैं दुकान कितना गंदा है आप लोग देख ही सकते हो। तो कंट्रोल करने में मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ट्रैश रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं इन लोग को साफ़ कर देता हूँ, मतलब ऐसे ट्रैश को अपने दुकान से। ओके, ट्रैश को साफ़ करते रहो, पहला टास्क तो हमारा यही है। इतना सारा कचरा कौन फेंकता है भाई दुकान के आगे? ये टायर वायर पता नहीं क्या, मेरा घर है कि जंक यार्ड पता नहीं, इसे को साफ़ कर देता हूँ पहले। तो ओके, मैंने सारा ट्रैश साफ़ कर दिया है, अभी आखिरी बच रहा है, इसे भी साफ़ करते हैं। अब अपना दुकान को अब खोलते हैं। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ये दोनों चीज़ को, और दुकान खोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे अपना दुकान का नाम रखना होगा। दुकान का नाम मैं रखता हूँ शिव मोटर्स। ठीक है, पहले मैं खोलता हूँ ये अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर में गया, ये साइन में गया। ठीक है, अब मैं अपना दुकान का नाम शिव मोटर्स रख रहा हूँ, मैं शिव स्मिथ मोटर्स। और थोड़ा सा साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ अपना नाम नाम का, ताकि बोर्ड में, मैंने साइन बोर्ड में पूरा एकदम चिपक जाए। ओके, और ये बिल्कुल पूरा कारफुल सेल सिमुलेटर जैसे ही पूरा गेम है, आप लोग देख ही सकते हो। बस थोड़ा सा इधर उधर मैप में चेंजेस किया गया है, बाकी सब वैसे ही सिमिलर है। तो ओके, तो मैंने अपना दुकान का नाम भी रख लिया है। अब हमें गाड़ी लेने जाना होगा, पहले हम लोग देख लेते दुकान का नाम अपना। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये नाम। ओके, तो सबसे पहले मैं नेबरहुड मुझे जाना पड़ेगा। ओके, अब मैं नेबरहुड जाऊंगा, ये पकड़ा बस, अब मैं गया नेबरहुड में। ओके, सो मैं नेबरहुड में पहुंच चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आसपास कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। फिलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि गाड़ी कितना में बेच रही है ये मैडम। हेलो मैडम जी, ओ माई गॉड, आप लोग देख ही सकते हो पूरा यूआई सब कुछ कारफोर सेल सिमुलेटर जैसे ही है। अरे यार, ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही महंगा बेच रही है, मेरे पास तो $7,480 है भाई, नहीं ले सकता ये कार। पता नहीं क्यों, लेकिन सब महंगे महंगे कार बेच रहे हैं। सच बताऊँ तो मैं कार ढूंढे ढूंढे परेशान हो जा रहा हूँ, क्या ही बोलूँ मैं। ये भी महंगा बेच रहा है, अब मैं ख़रीदूँगा नहीं इसका गाड़ी, दूसरा गाड़ी ढूंढना पड़ेगा कैसे भी करके, नहीं तो मेरा डीलरशिप तो बंद ही हो जाएगा, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये गाड़ी मुझे थोड़ा सस्ता लग रहा है, जाके इससे पूछता हूँ एक बार। भाई इधर क्या, उधर क्या देख रहा है भाई, सीधा मुंह से बात करो ना। ओ माय गॉड, तुम सस्ता गाड़ी बेच रहे हो, बहुत सही, मैं जल्दी से ये गाड़ी ख़रीद लेता हूँ। वैसे ये गाड़ी का नाम होंडा है। ओके, तो मैंने ये गाड़ी ख़रीद लिया है, अब मैं इसे सीधा टो करा देता हूँ, मैं बस से आऊँगा। ओके, तो मैंने गाड़ी को टो करवा दिया है रिपेयर शॉप में जाके, अब मैं सीधा रिपेयर शॉप जाऊंगा, गाड़ी को रिपेयर करवाऊंगा, तब मैं बेचूंगा इसे। ओके, सो मैं यहाँ आ चुका हूँ रिपेयर शॉप में, और आप लोग देख ही सकते हो रिपेयर का भले ही शॉप थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका भी सिमिलर ही है पूरा कारफोर सेल जैसा। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, अब मैं इसको मैं रिपेयर में लगाऊंगा अपना गाड़ी को। हेलो अंकल जी, मेरा गाड़ी रिपेयर कर दीजिए। ओके, अभी अंकल जी मेरा गाड़ी को रिपेयर करने वाले हैं, देखते हैं ये कैसे रिपेयर करते हैं। ओ माय गॉड, आप लोग देख ही सकते हो बिल्कुल कारफोर सेल सिमुलेटर जैसा ही पूरा गेम है ये, मतलब वो भी मोबाइल में। और इसे अभी रिपेयर में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अभी हो जाएगा तुरंत में ही, बस थोड़ा देर के लिए मुझे इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरा गाड़ी रिपेयर हो चुका है, काफ़ी जल्दी रिपेयर कर दिया, अब चलते हैं अपना इसे बेचने के लिए। चलो, ट्यूटोरियल तो मुझे लगेगा नहीं ट्यूटोरियल का ज़रूरत। ओके, तो मैं अपना गाड़ी लेके आ गया हूँ अपना दुकान में, मतलब अपना ये डीलरशिप में। अब मैं जल्दी से इसे पार्क कर देता हूँ बिना किसी डैमेज से, मतलब बिना किसी डैमेज लगाए अपना गाड़ी में। ओके, एकदम केयरफुली मुझे पार्क करना है। अब मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ और वेब पेज खोलूँगा, और वेब पेज में जल्दी से मैं इसे सेल पे लगाऊँगा इस गाड़ी को। ओके, तो मैं गया अपना वेब पेज में, और इस गाड़ी का दाम मैं रखने वाला हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके ओके, ये सब ट्यूटोरियल मुझे बता रहा है। मैंने गाड़ी को ख़रीदा था 2567 रुपीस में, तो
$260 ऊपर से मैंने लगाया था रिपेयर में, तो मैं बेचूंगा इसे 10,000 में सीधा, एकदम 10 गुना प्रॉफिट करना है मुझे इस गाड़ी से। ओके, अब देखते हैं कि गाड़ी बिकता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना सस्ता गाड़ी 10,000 में बिक जाएगा, $10,000 में। अरे कस्टमर्स भी आने लग गए, बहुत सही ब्रो, ये पूरा क्या बोले कार फोर सेल वाले जो कस्टमर्स होते हैं ना, वैसे ही है पूरे ये लोग। ओके, तो मैं एक कस्टमर को बेच देता हूँ ये गाड़ी 10,000 में। ओ माय गॉड, ये बंदा 10,000 में ही मान गया, बहुत सही से बेच देते हैं। ओके, अब रात हो चुका है, मैं दुकान बंद होने का समय हो गया है, मतलब दुकान बंद करने का समय हो गया है, मैं क्या ही बोलता हूँ। ओके, तो मैं दुकान को जल्दी से बंद कर देता हूँ और मैं जाता हूँ सीधा अपना घर। तो ओके, तो मैं अपना आ गया अपना घर में, ऐसे ही घर नहीं तो कंटेनर है सर बताऊँ तो, यहाँ पे आसपास कचरा फेंका हुआ है, बस मुझे यहाँ पे रात बिताना है और कुछ नहीं करना है। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये हमारा है दूसरा दिन कार फॉर सेल सिमुलेटर में। ओके, तो हम लोग अब जाते हैं आज कार मार्केट में, क्योंकि वहाँ मार्केट खुला हुआ है और हमारे पास कुछ पैसे भी है, $14,000। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं कार मार्केट में। तो ओके गाइज, मैं आ चुका हूँ कार मार्केट में अपना, और आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा कार मार्केट है यहाँ पे। ये बेच रहा है दही भेलपूड़ी, पता नहीं क्या बेच रहा है, इससे पूछते हैं कि कितना में गाड़ी बेच रही है। अरे यार, कितना महंगा गाड़ी बेच रही है ये, दूसरा से पूछता हूँ। ओ, मेरे पास बार्गेन करने का भी स्किल नहीं है फ़िलहाल, मैं स्किल से ही सब अनलॉक कर सकता हूँ बार्गेन का, ये सब जो भी स्पॉन्ज वाला। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब मुझे सस्ता गाड़ी मिलेगा, तब भी अगर ट्राई मारते हैं ये सब। नहीं, ट्राई मारने का ज़रूरत ही नहीं है, उससे बढ़िया मैं अपना ऑफिस में जाता हूँ या फिर नेबरहुड चलते। चलो नेबरहुड जाके हम लोग वहाँ से कोई सस्ती गाड़ी ख़रीद लेंगे, क्योंकि सब गाड़ी मुझे महंगा ही लग रहा था देखने में, तो फालतू में टाइम वेस्ट क्या करूँ मैं। ओके, तो मैं नेबरहुड आ चुका हूँ। ये बंदी मुझे सस्ता में बेच रही है गाड़ी अपना, ठीक है, तो मैं ये गाड़ी ख़रीद लिया हूँ और इसे टो करा देता हूँ जल्दी से, रिपेयर शॉप में जाके टो करा देता हूँ। ओके, सो ओके गाइस, मैं दूसरा गाड़ी भी ख़रीद लिया एक तो, और ताकि मैं दो गाड़ी को एक साथ बेच सकूँ अपना डीलरशिप में। अब मैं जा रहा हूँ अपना ऑफिस में। ओके, ऑफिस में पहुंच गया हूँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सफाई करना होगा। ओके गाइस, तो मैंने सफाई कर दिया अपना ऑफिस में, अब मुझे जाना होगा रिपेयर शॉप में। तो मैं बार्गिन वाला स्किल मैंने पहले अनलॉक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्किल मिला है एक तो स्किल कॉस्ट, तो मैं बार्गिन वाला स्किल को मैंने अनलॉक कर लिया है ताकि मैं बेस्ट प्राइस में गाड़ी ख़रीद सकूँ। तो चलते हैं अपना रिपेयर शॉप में। सो ओके गाइस, आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे दो गाड़ी मेरा आ चुका है रिपेयर शॉप में, अब इन दोनों को मैं रिपेयर में लगा लेता हूँ। वैसे वो वाला गाड़ी बहुत ज़्यादा ही महंगा था सर बताऊँ तो, रिपेयरिंग में ये गाड़ी पे बहुत ज़्यादा ये खर्चा हुआ था रिपेयर करने में, क्या बोलूँ मैं। ओके, अब रिपेयर होता हुआ देखो अपना गाड़ी को। तो ओके, ये गाड़ी मेरा रिपेयर हो चुका है, ये फर्स्ट वाला, तो मैं इसको मैं ले जाता हूँ अपने दुकान में सेल करने के लिए। जल्दी से इंजन स्टार्ट करो भाई। ओके, तो मैं ये गाड़ी को भी मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे अपना डीलरशिप में, और जल्दी से इसे पार्क कर देता हूँ और चलेंगे हम लोग अंदर। ओके, अब मैं अंदर जा रहा हूँ ऑफिस के, और वेब पेज में जाएंगे और मैं इस गाड़ी को 12,000 में बेचने वाला हूँ। ओके, काश ये बिक जाए जल्दी से। ओके, तो एक कस्टमर आ चुकी है यहाँ पे ये गाड़ी को ख़रीदने के लिए। ओके, इसे 12,000 महंगा लग रहा है, ये 3,000 कितना में ख़रीद रही है अरे भाई। ओके, तो मैं 12,000 में बेच रहा हूँ ना, ठीक है, इससे ज़्यादा कम मैं नहीं करूँगा, 9,999 रुपये रुपये क्या डॉलर्स, इतना में लेगी तो ले, नहीं तो निकल जाए यहाँ से, देखो मैं बेचना नहीं है।
अरे यार पता नहीं कैसे कैसे कस्टमर्स है। इसको मैंने 10,000 में बेचा था कुछ देर पहले मैंने, अब ये 3,000 में बिक रहा है। मैं अपना दूसरा गाड़ी को भी लेके आ गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये रिपेयर हो चुका था तो मैं इसको यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स भी आए हुए हैं तो इन्हें कार बेचने का कोशिश करता हूँ जल्दी से। तो बोलिए सर आपको कितना में गाड़ी दूँ। ओके इसे 12,000 महंगा लग रहा है। ओ माय गॉड 2,800 कितना भाई, इतना में बेच रहा हूँ मैं। तब रहने दे रहने, तेरे को बेचना ही नहीं है मुझे, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ 10,000 में ले ले। यार 10,000 भी तेरे को भारी लग रहा है भाई, ये 10,000 भी महंगा लग रहा है। तब रहने दे, तेरे को नहीं बेचना। ओके आप कितना में लेंगे सर जल्दी से बताओ, मुझे गेम को ख़त्म भी करना है जल्दी से, मतलब ये एपिसोड को। ओके तो ये सर भी देखिए आप प्लीज़, आप 10,000 में कम से कम ले लीजिए यार, ये भी बेकार है। बक तो एक काम करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ बार्गेन करने का, 5,000 में ले लीजिए, इससे नीचे नहीं जाऊँगा मैं। गजब बेचती है रे भाई, ये 5,000 में भी नहीं ले रहा है। अरे यार प्लीज़, अब तो आप जाइए यहाँ से। ओके तो मैं इसको बेचने का कोशिश करता हूँ। अरे ये बंदा भाग जाएगा सर बताऊँ तो, ये बोला है मैसेज में। तो मैं इसे बार्गेन करने का कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, 3,500 में ले रहे भाई, ले रहे कम से कम। अरे भाई इससे नीचे नहीं जाऊँगा मैं। वाह ये भी निकल गया, चलो ये जितना मैं बोल रहा है तो इतना मैं ही बेच देता हूँ। वैसे भी ये गाड़ी का मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वैल्यू है, तब भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ बार्गेन करने का, 3,000 में ही ले रहे कम से कम। ये बंदा 2,000 में ही ले रहा है, चल इसको बेच ही देता हूँ। चलो बेच ही देता, कुछ तो आएगा मेरे पॉकेट में, मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ इस बार। तो ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, ये चैनल भी अच्छा ही है। प्लीज़ यार एक अंडररेटेड यूट्यूबर बोल रहा है, आप लोग को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अगर आप लोग को पसंद आया तो ये वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिव स्मिथ साइनिंग ऑफ।